भारत में पिछले 24 घंटे में 11,451 नए कोविड 19 केस आए सामने। कल से 5.5% की केसों में बढ़ोतरी, तो वहीं दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना केस। तमिलनाडु में भारी बारिश, चेन्नई सहित 4 जिले में स्कूल बंद, आज भी भारी बारिश की आशंका। किसान आंदोलन पर सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को सुनाई खरी खोटी। अफगान टीम की हार पर वायरल हुआ कोहली का ट्वीट, कल घर जा रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा। अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर तंज, कहा लैपटॉप लेकर आओ, बुलडोजर नहीं। सीबीआई ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को कर्ज न चुकाने के मामले में किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है प्रदूषण का खतरनाक स्तर, कई इलाकों में एक्यूआई 500 के पार। पाकिस्तानी नौसेना की गोलीबारी में एक भारतीय मछुआरे की हुई मौत, एक अन्य भारतीय भी घायल। क्रूज ड्रग्स केस की जांच में एनसीबी की एसआईटी ने आर्यन खान को समन भेजा। पीएम नरेंद्र मोदी का बीजेपी की बैठक में कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश, कहा सेवा ही सबसे बड़ी पूजा।